दर्शकों, लाइव टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। हाल ही में सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने भारत में टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। अब जानते हैं कि इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है। वेरी गुड, इसलिए क्योंकि बहुत सारे यूथ का टाइम वेस्ट हो रहा था टिकटॉक बनाने में। आई थिंक इट्स वेरी गुड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे यूथ का टाइम सिर्फ टिकटॉक के वीडियोज़ बनाने में वेस्ट हो रहा था। पीपल फोकस नहीं कर रहे थे कि कहाँ पे देश जा रहा है, कि कैसे खुद का भी ग्रोथ कर सकते हैं। जहाँ देखो टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ बन के बैठे हैं लोग। अगर टैलेंट है तो सही जगह जाके दिखाओ टिकटॉक, उनको लगता है टिकटॉक इज़ द बेस्ट वे। बट हाँ, अच्छा था व्हेन शुरुआत हुई, टिकटॉक वाज वेरी गुड कि सबको जिनको चांस नहीं मिलता वहाँ से वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाई और सीरियल्स तक पहुँचे हैं लोग, नो डाउट इन दैट। बट एक दूसरी चीज़ जो गलत हो गई कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव स्टफ़ आने लगा। लोग भूल गए कि डेमोक्रेसी है बट उतना भी नहीं है कि आप अपने कल्चर से अगेंस्ट जाके चीज़ें करें टिकटॉक पे, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं तो उन पे भी कहीं ना कहीं कल्चर पे बुरा अफेक्ट हो रहा था। अगर लोग पहले से वो दायरा डिसाइड करके रखते तो टिकटॉक यूज़ करना कुछ गलत नहीं है। बट जहाँ पे लोगों ने चूक की वहाँ सरकार जाग गई, विच इज़ अ गुड थिंग, सो आई एम इन अ फेवर। डिसएडवांटेज ये था कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था लोगों का और फोकस लोगों का यही रहता था कैसे टिकटॉक वीडियो बनाए। अपनी प्रतिभा चाहे तो वो स्टेज शोज़ है या प्लेज़ है वगैरह करके भी दिखा सकते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। उन लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि एक इजी माध्यम मिल गया जहाँ पे वो लोग सीधे दिखा सकते हैं कि भाई हाँ हमारे में ये प्रतिभा है, ये टैलेंट है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को वहाँ से अर्निंग हो रही थी, सीधी बात है। दूसरा, नाम फेम मिल रहा था और जिन्होंने टिकटॉक से नाम फेम मिला, टिकटॉक सेलिब्रिटी जो बने, वो कहीं ना कहीं सीधे सीरियल्स वगैरह बॉलीवुड वगैरह में एंटर हुए हैं। आई नो फ्यू ऑफ देम कि जो सीधे बॉलीवुड तक पहुंच गए, विच इज़ अ गुड थिंग। बट द बैड थिंग इज़ कि हाँ अब बंद हो गया, सो नाउ यू हैव टू बकल अप एंड स्टार्ट फाइंडिंग अ वर्क एज यू डू अर्लियर। आपने कभी टिकटॉक बनाया है? ऑब्वियसली, सबसे जब शुरुआत हुई तो 3-4 वीडियोज बनाए। इट वॉज अ फन, मस्ती मजाक के लिए सही था। बट जैसे ही देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत गाली गलौज गंदे कंटेंट आ रहे, फिर नहीं बाबा पापा देख लेंगे तो चलो चुपचाप से निकल लो टिकटॉक से। सो आफ्टर दैट कभी ना वीडियो बनाया ना कभी देखा। 2-3 ऐसे गंदे वीडियो सामने आए तो फिर सोचा कि नहीं देखना चाहिए, बेकार है, टाइम वेस्ट है। सही लिया है, ऑब्वियसली सही लिया है। प्रतिभा दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, टैलेंट दिखाने के लिए यूट्यूब भी है। वो लोग सेग्रीगेट करते हैं कि अगर अच्छा कंटेंट है तो ही वो लोग अप्रूव करके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं, टिकटॉक ने अगर ये चीज़ रखी होती फिल्टराइज कि भाई अच्छा कंटेंट है देन इट्स वेलकम, अगर बुरा कंटेंट है वो लोग वहाँ पे कुछ बैंड लगा देते, ऐसी कुछ चीज़ें होती। या यूथ खुद उतना अपने आप को फेमस करने में पागल नहीं हो जाता कि कुछ भी कर रहे हैं फेमस होने के लिए इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड कंटेंट, तो शायद ये होता ही नहीं। सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन। और मेरा नाम आर्यन है, मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और मुंबई रहता हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ पर बैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी न किसी को सुख मिल रहा है, किसी न किसी को अपना हैप्पीनेस मिल रहा है। तो बैंड चीज़ को हटा के जो एक रूल नियम जो होते हैं उस पर डाल दो कि आप कोई भी फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है या फिर कोई भी ऐसा मीडिया है, सोशल मीडिया जिससे हम हमारे कनेक्टेड रहते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने परिवार से, अपने नए दोस्तों से जब मिलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग उस पर एक टाइम सेट कर दें जिसमें कोई 6 से 12 कर दें, इवनिंग का 6 से 12 कर दें या फिर 4 घंटे का, 2 घंटे का ऐसे अवधि टाइम हो, तो सब लोग जो एनी टाइम जो इसमें लगे वो हटके अपना कोई भी एजुकेशन है, अपना पारिवारिक काम है या ऑफिस का जो वर्क है, अपना कोई भी काम है वो अच्छे से कर पाए। सर, ये यूथ के लिए कितना डिसएडवांटेज? मेरा ये मानना है इसमें कोई यूथ का कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसमें 5 ईयर्स से लेके करीबन 70-80 साल तक कोई भी लड़का लड़की बुजुर्ग कोई भी इसमें कर रहा है। आप टिकटॉक पर अच्छे से देखेंगे तो इसमें पूरा वर्ल्ड, ना कि पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड इसमें इंक्लूड है और ये बहुत कम समय के अंदर इतना टीआरपी उसने मिला है टिकटॉक। मेरा तो ये मानना है बी फ्रैंक, टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए। मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ टिकटॉक में, ये नहीं है, लेकिन बहुत कुछ लोग कर रहे हैं। खाली मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कहना चाह रहा, जो लोगों की खुशी है वो मेरी खुशी है। मेरा ये मानना है कि टिकटॉक सरकार का दिया हुआ नहीं है। बी फ्रैंक, मैं मीडिया के सामने यही कहना चाहूँगा, सरकार की कोई भी दी हुई चीज़ है उसका हम कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, उसका हम तमे दिल से स्वागत करेंगे और हमेशा उनका आनुदर करेंगे। ये नहीं है कि सरकार का कोई दिया हुआ है। टिकटॉक एक मीडिया है, टिकटॉक खुद एक ऐप है जिसमें हम लोगों को खुशी मिलती है और सब लोगों की खुशी हमारी खुशी है। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं तो गलत है फिर भी, बट कैसा है कि सरकार ने बेसिकली इसको इलेक्शन को देखते हुए लगाया है, क्योंकि इलेक्शन के समय क्या होता है कि लोगों का जो एक ध्यान होता है
उस तरफ जा नहीं पा रहा है। इसके लिए सरकार ने थोड़ा सा इसको हटा के एक इलेक्शन की तरफ फोकस डाला है। और टिकटॉक जहाँ तक बैन होने की बात है, बैन होने का एक कारण और है क्योंकि उस पर जो है ना कई भद्दे वीडियोज़ भी आते थे, जिसके वजह से आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी उसको ख़राब लगता है, मतलब जो ओल्डर एज के थे उनको काफ़ी ख़राब लगता था। और मैं खुद यूज़ करता था उसको, उसमें कई बार मैंने ऐसे वीडियोस देखे जो फनी वीडियो हैं, एकदम न्यूड्स वीडियो कई लोग डालते हैं, इसको वजह जिसकी वजह से एक बोलते कल्चर होता है ना थोड़ा एक इंडिया को मोटिवेट नहीं करता वो, क्योंकि इंडिया जो है वो कल्चर वाला कंट्री है पूरा पूरी तरीके से। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि इसको हटा दिया जाए तो उसको फिनिश कर दिया। एक्चुअली यूथ के लिए एक फ़ायदा था, सबसे पहले मैं फ़ायदा बता देता हूँ, एक फ़ायदा था जैसे लाइक यूट्यूब है, यूट्यूब में हम क्या करते हैं आज की जनरेशन में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया वो पूरी तरह, लेकिन टिकटॉक पे ऐसा था ऑलरेडी आपको मटेरियल मिल रहा है, सिर्फ आपको वीडियो बनाना है, कई लोग उससे सेलिब्रिटी भी बन गए। बट डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो ये है कि लोगों का जो एक ध्यान है ना वो ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो एक लोगों की जो नज़र होती है फिर अलग अलग भटकाव हो जाता है। लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं चलो ठीक है जो कर रहे हैं हम इसी से कर रहे हैं, जो एक्चुअल में करना चाहिए वो काम नहीं करते वो लोग, दिन भर टिकटॉक पे बिजी रहते हैं, दिन भर वो ये वीडियोज़ वो वीडियोज़ दुनिया भर का लफड़ा तफड़ा बना के इसमें सिर्फ जो है अपना कल्चर भी ख़राब हो रहा है, प्लस अपना जो एक कहते हैं फोकस होता है वो कहीं ना कहीं जा रहा है बेकार। मेरे हिसाब से टिकटॉक ऑलरेडी ट्रैश था, अगर आप लोगों को पता है कि क्रिंज क्या होता है, इसको देख के अच्छा नहीं लगता, वो कुछ वैसा था। अच्छी चीज़ है बैन लगाए, क्योंकि जो क्रिएटर्स है वो बहुत सारी अलग तरह से आ रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, फॉलो सिट्स टीवी, एनीवेज, बट टिकटॉक बैन आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्या एडवांटेज था लोगों के लिए? एडवांटेज टिकटॉक के लिए ये था कि टाइम पास था बेसिकली, एंड आप एक गाना गाने पे सिर्फ अपना चेहरा हिला रहे हो, सो आई थिंक सो। बट डिसएडवांटेज ये था कि यू हैव टू क्रिंज, हर जगह इंस्टाग्राम पे जाओ पीपल आर डूइंग दैट शिट, सो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। आपने टिकटॉक यूज़ किया या कभी? मैंने टिकटॉक नहीं, ये पाप मैंने नहीं किया है। मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि टिकटॉक भाड़ में जाए।